रोक ली ट्रेन, अब आगे क्या। जी हां, किसान संगठनों की तरफ से कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी रेल रोको अभियान चलाया गया है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों ने तमाम राज्यों में रेल रोकी है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, 8 जगह की तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। यहां आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर बैठकर ये प्रदर्शन किया गया है, कृषि कानून रद्द कराने की लगातार मांग की जा रही है और इस तरह से ये विरोध जताया गया है। 8 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह की दिखा रही हैं, जो कि कैथल से आ रही है, चरकी दादरी, पानीपत, फतेहाबाद, खरौंडा से आ रही हैं। इसके अलावा आप तस्वीर देख पा रहे हैं कुरुक्षेत्र, लोहारू और पलवल की। यहां आपको बता दें कि किसानों की तरफ से ये रेल रोको अभियान चलाया गया था, हालांकि अभी ये अभियान खत्म हो चुका है। 4 बजे तक ये अभियान चलाया गया और जगह जगह पर जो ट्रेन है वो रोकी गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या कुछ रहने वाला है। अब ये 5 तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं, बहादुरगढ़, पानीपत, सिरसा, रोहतक और गुरुग्राम की अलग अलग जगह इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली है। किसानों का रेल रोको अभियान खत्म हो चुका है, हालांकि 4 बजे ये अभियान खत्म होना था, खत्म हो चुका है। और अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस दौरान ये रेल रोको अभियान चलाया गया उस दौरान किस तरीके की स्थितियां रही वो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा पा रहे हैं। आपको बता दें कि हालांकि जो सुरक्षा के इंतजाम थे चलिए, और इसी के साथ हमारे साथ किसान नेता शिव कुमार कक्का जी जुड़ गए हैं। शिव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेल रोको अभियान जो है वो आपका पूरा हो चुका है, अब आगे क्या रहेगा, आगे क्या? आगे देखिए, हम लोग कार्यक्रम कुछ कार्यकर्ताओं को देते रहते हैं, आगे फिर संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी और महीने भर के कार्यक्रम उसमें हम लोग तय करेंगे, तो आगे के कार्यक्रमों को तय करना है। अभी शेष है, अभी रेल रोको कार्यक्रम जो हमारा 3 कार्यक्रम थे उसमें आखिरी कार्यक्रम रेल रोको था जो पूरे देश में हुआ और जो हमको उम्मीद थी वो सफल रहा। जी हेलो, जी बिल्कुल शिव कुमार जी, क्योंकि लगातार जो आंदोलन है वो तेज होता जा रहा है, तमाम चीजें भी आपके द्वारा कर ली गई हैं और सरकार टस से मस नहीं हो रही है। क्या लगता है, अब जो रेल रोको अभियान चलाया गया है इसका असर पड़ेगा, क्या कोई सलूशन निकलेगा केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, हमारा काम सरकार का ध्यान आकर्षित कराना है कि हमको 84-85 दिन हो गए हैं, 207 शहादत दे चुके हैं, सरकार संवेदनहीन कितनी हो सकती है, ये पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। हम तो साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और लोकतंत्र में इसके अलावा कोई और तरीका तो होता भी नहीं है। आंदोलन का स्वरूप बदलेंगे, आगे और रणनीति बनाएंगे। तो कैसी रणनीति रहेगी आगे की आपकी, रणनीति किस तरीके की होगी? हमको सब लोग बैठते हैं, बैठ के चर्चाएं करते हैं, एक दूसरे से सहमत होते हैं, उसके बाद फिर रणनीति तो हमारी गांधीवादी ही रहेगी, अहिंसात्मक ही रहेगी। आगे भी गांधीवादी आंदोलन के रूप में जो भी कार्यक्रम तय होंगे वो सब मिलजुल के तय करेंगे, उसको पीसी लेके फिर आउट करते हैं हम। जी आज जिस तरह से ट्रेन रोको अभियान चलाया गया है इसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरीके का आज का दिन रहा ट्रेन रोको अभियान के दौरान, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से अभियान निपट चुका है? देखिए, सफल रहा, सभी जगह से समाचार आ रहे हैं, सरकार के भी बहुत पुख्ता इंतजाम थे, कई जगह गिरफ्तारियां भी हुई हैं, FIR दर्ज हुई है, मध्य प्रदेश में खासतौर से बड़े पैमाने पे FIR दर्ज हुई है। तो ये तो FIR दर्ज करना सरकार का एक पार्ट है, वो करती है, परंतु हमारा काम है सरकार को संदेश देना कि भाई हमारी हम जायज मांगों के लिए, बेसिक मांगों के लिए बैठे हुए हैं, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए एकदम। और जो बार बार सरकार कहती है कि हम एक कॉल दूर है, दरवाजे भी खुले हैं, तो दरवाजा कौन सा खुला है, कितने समय के लिए खुला है, किस तारीख को खुला है, उसका भी सरकार खुलासा करे और वार्ता के लिए आमंत्रित करे और वार्ता में अच्छा माहौल बनाए वार्ता के लिए, कम से कम पहले ऐसे जुट जाता है ताकि माहौल अच्छा बने, यानी कि बातचीत के लिए तैयार है, दोनों तरफ से बातचीत के लिए लोग तैयार हैं, बस अब दिन सोचना है। शिव कुमार जी हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ गए हैं जो लगातार पहले दिन से इस
पूरे जो आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं। स्पर्श शिव कुमार कक्का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि जो बातचीत के दरवाजे हैं दोनों तरफ से खुले हुए हैं, अब आगे देखना पड़ेगा कि कैसे आगे की बातचीत बढ़ेगी। स्पर्श देखिए, बातचीत के दरवाजे तो खुले हुए, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम जो है बातचीत करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ किसान संगठन के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनिशिएटिव कोई भी जो पक्ष है वो जो है लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां केंद्र सरकार सिर्फ ये कह के बैठ जाती है कि हम जो है एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, किसान जब चाहे जो है जो बातचीत करना चाहे हम जो है बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक अंतिम जो प्रस्ताव दिया गया था सरकार की तरफ से, उसमें कह दिया गया था कि 1.5 साल तक जो है प्रस्ताव स्थगित कर देते हैं और उसके बाद जो बातचीत है वो चलती रहेगी, जो जो संशोधन कराने हैं वो संशोधन करा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो किसान है, तमाम जो किसान संगठन है वो ये लेकर अड़ गए हैं कि जो किसान कानून है वो पूरी तरीके से रद्द होने चाहिए। ऐसे में किसान कानून रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार तैयार नजर नहीं आ रही है अभी तक की हम बात करते हैं, तो बातचीत किस तरीके से होगी इसको लेकर प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं बना हुआ है और वही सवाल जो है सबके मन में है कि आखिरकार कौन पहला कदम जो है उठाता है बातचीत के लिए। बिल्कुल शिव कुमार जी, इनिशिएटिव कोई एक जने को तो लेना ही पड़ेगा, किसानों की तरफ से ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया है अभी तक, क्योंकि पीएम ने तो कह दिया है कि एक फोन कॉल की दूरी पर हैं हम। देखिए 12 राउंड चर्चा में हमने एक बात को हमेशा उठाया है, वो उठाया हमने कि एमएसपी पर चर्चा करें, हम 3 कानूनों में हमारी उनकी सहमति नहीं मिल पा रही है, तो पूरे देश की डिमांड एमएसपी है और ये एमएसपी के कारण ही पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है, क्योंकि 3 कानूनों में एमएसपी का कोई उल्लेख नहीं है। तो एमएसपी को पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए, सरकार ने कहा कि हम तैयारी से आएंगे, 4 दिन बाद फिर चर्चा करेंगे, सरकार ने फिर चर्चा नहीं की, हमने फिर सरकार को कहा, तो सरकार एमएसपी पर बचती रही। तो अगर एमएसपी पर सरकार मामला तय कर लेती है, गारंटी का कानून बना देती है, 2011 में कई बार कहा है हमने कि नरेंद्र मोदी जी जब इस कमेटी के चेयरमैन थे, वो सीएम थे उस समय, तो उन्होंने ही लिख के दिया था तत्कालीन केंद्र सरकार को जो कांग्रेस की थी कि एमएसपी गारंटी का कानून होना चाहिए, तो वो खुद जो उन्होंने कहा है वही करने के लिए हमने भी कहा था, कि आप ही ने कहा। पर एमएसपी पर अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर से माहौल अच्छा बनेगा और अच्छे माहौल में बात आगे बढ़ेगी, तो सरकार एमएसपी पर क्यों बचना चाहती है ये भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल बिल्कुल शिव कुमार कक्का जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्पर्श, जैसा कि अभी आपने भी सुना कि किसान नेताओं का कहना है कि क्यों बच रही है सरकार, एमएसपी पर गारंटी में कानून लाया जाना चाहिए। स्पर्श देखिए, इसको इस तरीके से समझना होगा दीपशिका, अब तक जो है कई राउंड की बैठक हुई है, सरकार के सामने जो है 4 जो टोटल मांगे हैं किसानों की तरफ से रखी गई थी, 2 मांगों पर सहमति किसानों की तरफ से जो है बन गई थी। उसके बाद क्या होता था बैठकों में 3 से 4 दौर की, ये होता था कि कृषि कानून रद्द कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसको लेकर जो है सरकार बताए, सरकार कहती थी कि कृषि कानून के रद्द करने के अलावा आप जो है बातचीत करिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि किसान नेताओं ने अपनी जो है बाद में रणनीति बदली, फिर किसान नेताओं ने कहा कि अब चलिए एमएसपी पर बात करते हैं कि एमएसपी आप जो है कानूनी अमलीजामा पहनाया जाएगा या नहीं जाएगा, और उसके बाद जो है 3 कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर बातचीत करते हैं। इस पर सरकार ने कहा क्या जो एमएसपी है उसको अगर हम कानूनी अमलीजामा पहनाते हैं तो क्या आप जो ये आंदोलन है वो खत्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसको लेकर कोई स्पष्ट जवाब जो है किसान नेताओं की तरफ से नहीं निकलकर सामने आया। यानी किसान नेता जो है वो जो 4 मांगे उनकी तरफ से रखी गई थी उस पर पूरी तरीके से जो है अडिंग नजर आ रहे थे कि अगर एमएसपी पर सहमति बन भी जाती है तो भी उसके बाद जो 3 कृषि कानून है वो जो है पूरी तरीके से जो है रद्द करने होंगे। ऐसे में तमाम मांगे जो है सरकार के सामने किसानों की तरफ से रख दी गई थी, तो क्या सरकार क्योंकि तैयार नहीं नजर आ रही है रद्द करने के लिए कानून, सरकार कह रही है कि संशोधन आप जो है करा लीजिए, पॉइंट वाइज जो है चर्चा पूरी तरीके से तमाम मुद्दों पर कर लीजिए और जो संशोधन आपको करने हैं वो करा लीजिए, लेकिन किसान इस पर तैयार नहीं है। बिल्कुल स्पर्श, किसी एक को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपनी तरफ से। बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी।